कहे बात के समोसे खवा दू तुम्हें तुम्हें मैंने कम दियो आदमी के लौंडा को भैया रुकवाने को ऊ तो तुम पर रुको नहीं सिकल उठा के चला जी लाओ समोसे लाओ समोसे यहाँ देख ले काली पर आते इतना मोटा मुंह खोल के लाओ समोसे लाओ समोसे बोल मेरे से तू 4 ना 40 घंटा बैठ के आयो पर मेरा कम तो ना हो जाकू मैंने तुम भेजे बारहवीं का कानून मतलब अरे जो बारहवीं पास कर रहे हैं तब या और आयु तानू ना दो अरे के सब एक काम करिए सोंज को इन्हें एक समोसा दिवा दियो ये दिवा देगा तुम्हें समोसा अरे हमें बारहवीं पास करनी है नू बता तू हम ए भाई अब कैसे करेगा चाचा खाली ने तो सारा खेल बिगाड़ दिया अरे चाचा खाली की कौन सी नई बात है वाको तो कम है ये सब करना पर जरूरी ना हर बेर चाचा खा ले दीजिए ये चाचा आदमी का लंडा हमारे सामने कच्छा में डोले कुछ दिन पहले तक 17 साल का हुआ कुल और गैलवा के भी हाले फुकल लगे हम ही हवासु बड़े हम कुआरे बैठे हैं हमारी ओर को कोई देख नहीं रहा अरे अमन यू कोई तेरी बढ़िया बात देखियो कहा देखूं तेरे और या केशव के कितने सुंदर बाल है और घने बाल है मेरे बाल तो रोज टूट टूट के गिर रहे हैं और यही रासू मेरे बाल गिरते रहे ना तो मैं तो अपने ब्याह तक गंजी हो लूंगी कद गो तेरा भैया तेरा अभी तो 2 महीना यही मारा तो तुम दोनों से पूछ रही हो तुम कौन सा तेल लगाओ सिर में ना तो तुम्हारे बाल टूटे और इतने सुंदर और बड़े बड़े बाल हैं अरे तो एक काम कर हम पर हाथ जुड़वा ले हम पर एक चली जा या पहले दिमाग खराब आई नई नई नीति बताने अरे कैसे रोड़ा मचा रखा हो देख लो आयो गना बन के दिखा रहा हूं मैं कई दिन से यहां से तेल की पूछ रही हूं कि जा तेल है तू अपने सिर में लगा वा मैं भी बता दे पर बाबा ही बता ना रहा मेरे बाल खूब टूट टूट के गिर रहे 2 महीने पीछे मेरा ब्याह आ रहा बाबा यहां से कह दो मैं तेल मैं भी दिवा देगा अरे बता जो देवे लाली है कहां बूझ रही है यू मैं ना बता पाऊंगा बाबा मैं चिढ़ रहा हूं इनसे चिढ़ रहा क्यों क्योंकि इनका ब्याह हो रहा है और या को ना हो रहा अरे ऐसे ही है जैसे ही कह रहा बाबा तब एक बात बताओ 26 साल का हो लिया मैं अब तक छिका पड़ा हूं कोई ब्याह कोई ना रहा हमारे को अरे इनका भी सुबह हाले होने लगे चलो यहाँ की तो मैं मान लेता हूँ 22-23 साल की है भाई ठीक है लौंडिया हो रहा ब्याह यहाँ देखी कै साल के 16-17 साल के कुल कै भी क्लास में आई है तू अभी 12वीं में आई हूँ मैं लो बाबा सुन लो 12वीं क्लास में आई है कुल्ली और अभी से आके ब्याह होने लगे और बाबा इन दोनों के बीच में इनका भैया भी है वहाँ का भी रिश्ता हुआ पड़ो इनका ब्याह होता ही वहाँ की बारात चल देगी एक इनका परिवार है एक चाचा आदमी है वहाँ अपने 17 साल का लौंडा का रिश्ता कर लिया पूरा गाँव राजी हो रहा बाल विभाग की प्रथा चल रही है गाँव में सब दावत खाने सु मतलब को कहवा सुनिया ना हम ना दिख रहे यार बता दी अरे यार तंसी सी तेरी भी मेरी जगह हमने बाबा ए बाबा बस मेरे रिश्ता की बात ही पर मेरे वो जो है ना वो दो भैया तो मेरे पापा और बाबा यूं कह लगे कि चल दोनों को गेल ही कर दे रहे खर्चा भी बचेगा और दोनों बहन एक संग रह लेंगे हम दोनों में प्यार बहुत है ना बाबा हाँ देख ले कैसी राजी हो रही अब तो है कौन भी हंस रहे हैं अब तो खुद तो बीएड करके तो बन गई मास्टर नहीं यू बेचारी कैसे 12वीं में आई है तो मेरे हिसाब से 12वीं कर पाएगी और कोई ढंग की सी सासु मिल गई तो 12वीं सुबह जाएगी 12वीं तो टिकट कटेगा तो घर के चूल्हे चौका करती दिखेगी यू देख लो बाबा अब यू कितना बोल रहा चुपचाप बस सिर के तेल ना बता रहा बेटा बता दे परे को कोई कुछ भी करे हमें वासु कहा मतलब हाँ बाबा ये जो तुम जैसे गांव के जिम्मेदार बड़े बूढ़े हैं ना उनने गांव के सामाजिक मुद्दे पर बोलना छोड़ दिया और जब से तुमने बोलना छोड़ा ना ऐसे बालगन के ब्याह होने लगे इनके सपने धरे के धरे रह जा या चीजें नहीं देख रहा आज कोई भी ठीक कह रहा कतई बाबा देखो मैं थारी शर्म से बता तो दूंगा पर मेरी एक शर्त है शर्त है कहां शर्त है या के पापा से और बाबा से जाकर बात करो या को ब्याह कैंसिल करवाओ पहला पढ़ लिखन दो ये जो गांव में चल रहा है ना रिवाज एक की गले एक फ्री में लपेट ले कम खर्चा हो भाई हो भाई हो भाई अब या की उम्र ब्याह लायक पढ़ने लिखने की उम्र है जब भी पढ़ लिख के कामयाब हो जा या की उम्र हो ब्याह लायक तो करवा मो कोई दिक्कत ना यू पढ़ लिख के कामयाब होगी हमें कोई दिक्कत ना या हम जाएंगे खूब हेल्प करेंगे पर यू का तरीका या कहो रहा होता कम खर्चा होगा या भी लपेट पागल जरा नहीं डर भी डरता खाली से हेलो चाकिर अम्मी से कह दियो मैं घर को आ रही हूं टेंपो स्टैंड पे से ले लियो तुम मुझको ठीक है पप्पू चली जा निकल जा तू यहां से तुझे ये लग रही है खाली तुझसे खुशामद करेगा मिन्नत करेगा तेरी खालिद है जाता नहीं हूं पर आ मत जियो मेरे पीछे पीछे देख ले ना रुक रहे ना रुका कि नहीं हाँ जा ले तू मेरे गुस्से को जानता है रुक रहे कि मैं जा नहीं है तो फिर मेरी लाश से होकर गुजर के जा तू ले गैरत नहीं तुझे बेगैरत जनानी किस कदर छोड़ के जा रही है मुझे मैं खालिद यार तू भी किसके लिए परेशान हो रहा इस गैर जिम्मेदार औरत के लिए मैं घर पे मौज काटी अब तू शाहरुख पहले से ही अपनी फुप्पो का धागा परेशानी है ही ना कुछ पर यार खालिद मुझे कैसे काटेगा भैया तू घर पे कुछ राशन तो है ही ना खाने के लिए मैं कुछ राशन का इंतजाम तो बांधना पड़ेगा भैया मैं आज के खाने के लिए तो कुछ इंतजाम कर ये
जो होना सो होगा, अब क्यों अपने दिमाग को खराब कर रहा? मैं यार सदीक बात दिमाग खराब करने वाली ना, पर ये जो घर पे रोज रोज कलेश होता है ना, ये अच्छा नहीं लगता मुझे। आपकी दफा ना अपने ससुराल वालों को सुधार ही दे। मैं यार मुझे डर लगता है अपने गुस्से से, अगर एक दफा मुझे गुस्सा आ गया ना, निपटा दूंगा 10-20 को। मैं यही मसला। ये बात तो है तुझमें। खाली कोई आज बैठा है, आदमी ने बुलाया तुझे? उसके नहा पे तो कल का मसला, आज किस लिए बुला रहा? पता ना भैया, मुंह पे तो फोन आया, बुला रहा। चलो मैं चल रहा हूँ तुम्हारे संग में, देखूँ क्या मसला चल रहा। सद्दीक तो एक काम कर, बकरियों को ले जा और मेरी दोनों बकरियों को भी ले जाइए संग। ठीक है ठीक है, जगा कर लियो, कभी भूखी प्यासी लिया। हाँ ठीक है। इस कदर तार बंदी कर रखी है, जैसे नहीं बॉर्डर हो रहा। आ जाओ सेवरन। ना ना, ब्याह तो मैरिज होम में करेंगे, कई दिन आ जाए तुम बैठ के बतला लेंगे। कौन है? ओ या बड्डा रिश्तेदार। अरे पागल का फूफा। हम बे 4 दिन से लौंडा रिश्ता है, बात चलिए। ऐसे कर ले वैसे कर ले, घर में ऐसे रंग करवा ले वैसे करवा ले, दिमाग खराब कर रखो। अभी तो तेरा दिमाग ही खराब हुआ, कुछ देर में देखियो तेरा पेट भी खराब होना। बेटा खाली से पंगा लेगा तो ऐसा इंतजाम कर दूंगा, सारे टाइम पखाने में बैठा रहेगा तू। अरे यार नाराज क्यों हो रहा, आ जाओ बैठ जाओ। कुर्सी ले लो अपने लिए सेवाराम जी। जाहिल पंथी के फार्म भरे बैठा ना। ए भाई आदमी, काहे को बुलाया हमें यहाँ? अरे सेवाराम जी, कल रिश्तेदार आ रहे हैं, लौंडा की अंगूठी की अदला बदली करनी है, तुम्हारे यहाँ सामान आ रहा है। तो भैया कोई दिक्कत ना है, जो सामान चाहिए बता दीजिए, सारा सामान आ जाएगा। देखो कल सामान जो आवे दे देंगे, मैं पैसा के साथ परसों कर दूंगा। अरे भैया कोई दिक्कत ना, तुम्हारा पैसा तो कदे खड़े हैं, तुम ये बता दो सामान लेना आएगा कौन। समान को